गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, अभी तक हमने आपकी प्रश्नावली 16 और चैप्टर 16 है ज्यामिति, इसके अब तक हमने दो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और उन दो लेक्चर्स में हमने जाना है कि कोण किसे कहते हैं और कोण कितने प्रकार के होते हैं और हम कोणों को कैसे पहचान सकते हैं। ओके, तो आज भी हम जो चैप्टर है आपका 16 इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज अभ्यास दे रखा है, आपके एक्सरसाइज दे रखी है, उसे हम करते हैं। क्वेश्चन है उसमें कि जो कुछ आकृतियां दी गई हैं, कुछ शेप दी गई हैं, इनके सभी कोणों को, जितने भी इसमें एंगल्स बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं, इन्हें हमें पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। तो मैं एक आपका अभ्यास का है, क्वेश्चन है कि दी गई आकृतियों में सभी कोणों को पहचान कर उनका नाम लिखिए। ओके, ये क्वेश्चन है आपका कि दी गई आकृतियों में सभी कोणों को पहचान कर उनका नाम लिखना है हमें। अब पहचानना कोण हमने कल भी सीखा था, बल्कि हमारा लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था कि हमें कैसे एंगल्स को हम पहचानते हैं, 0 से लेके 90 डिग्री तक कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, 90 से 180 तक का एंगल्स का नाम क्या है, अबाउट 180 यानी 180 से 180 डिग्री से ऊपर वाले एंगल्स को हम क्या क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं। ओके, तो अभी हम मैं कुछ आकृतियां बनाऊंगी और उसके सभी एंगल्स को पहचानेंगे और उनका नाम लिखेंगे। ओके, जैसे कि नंबर वन पर है बच्चों, आपकी आकृति है, एक ट्राइंगल बना रखा है और ट्राइंगल है ए पी और सी। ये ट्राइंगल है, इसे पूछा गया है इसमें जो भी जितने भी कोण बन रहे हैं उनको आप पहचानिए और उनका नाम लिखना है। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन कोण बन रहे हैं, कोणों को कैसे पहचानना है। मैंने बताया था जब भी दो रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उनके झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यहाँ पे नंबर ए पर एक रेखा ये दोनों एक ही बिंदु पर आकर मिल रही है और दोनों की जो झुकाव है इसे हम कोण कहते हैं। नंबर ए, नंबर बी और नंबर सी, तीन कोण यहाँ पर बन रहे हैं। तीनों कोणों को हम पहचानेंगे, समझेंगे कि पहला कोण, दूसरा कोण और सी, तीनों एंगल्स का नाम क्या होगा, कौन सा कोण बन रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल ए की। अब इसको लिखने का तरीका होता है, या तो आप लिखिए एंगल ए या फिर हम लिखते हैं यहाँ पर एंगल बी ए सी, बी ए सी, जो भी एंगल होता है उसको हम सेंटर पे लिखते हैं। उसके पहले एक एंगल का साइन लगाते हैं, कोण का साइन लगाया हमने, कोण ए बी सी, तो इसको ना हम लिख करके हम डायरेक्ट लिखते हैं कोण बी ए सी, यानी इस कोण की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब इस कोण की बात कर रहे हैं, तो मानो मैंने एक लाइन को क्या ले लिया है, सीधी लाइन ले ली, मानो ये सीधी लाइन है, तो यहाँ पे मैं समझाती हूँ उसको अलग से काट करके। एक बार ये एंगल हमने बनाया, इसको मैंने एक सीधी लाइन बनाई और इसको मैंने एक यहाँ तक बढ़ा दिया, ऊपर तक इसको बढ़ा दिया। ओके, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से मैंने एक सीधी लाइन खींच दी, तो ये वाला और ये एंगल कौन सा बन गया। अब ये एंगल कितनी डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पे हमने अपना रखा, तो हम देख रहे हैं यानी 0 से लेके 90 डिग्री तक का एंगल कौन सा होता है, 0 से लेके 90 डिग्री तक का एंगल, 0 से अधिक और 90 से कम क्या होता है एंगल, वो होता है बच्चों न्यून कोण, यानी ये कोण क्या हो रहा है 90 से कम बन रहा है, छोटा है, तो ये कोण कौन सा हो गया, न्यून
को। समझ में आ रहा है आपको? दोबारा समझिए, हमें एंगल पहचानना है। मैंने एंगल को क्या किया, सीधी लाइन को मैंने ऊपर तक बढ़ा दिया, बीच में एक मैंने सीधी लाइन खींच दी, तो ये सीधी लाइन एल शेप जब भी बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और हमें पता है कि ये 0 से अधिक है लेकिन 90 से कम है, और इस एंगल का नाम होता है न्यूट कोण। ओके, सेकंड हम बात करते हैं कोण बी की। तो अगेन फिर मैंने बनाया, आप लिखेंगे हम ए और बी को सेंटर में रखा, हम बी और सी, यानी इस कोण की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने इस लाइन को भी आगे तक बढ़ा दिया, एक सीधी लाइन खींच ली और इस पर मैंने सीधी लाइन अगेन खींच दी। ओके, ये भी कितना होता है, अभी 90 का होता है। एंगल को हमें ये पता करना है, तो हम इस तरफ ना देख करके इस तरफ देखते हैं, तो ये भी 90 से अधिक, और मान लो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से तो क्या है ज्यादा है और 90 से कम है, बीच में आ रहा है ना, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो ये कोण भी कौन सा हो गया, न्यून कोण। ओके, अब हम थर्ड कोण यानी सी कोण की हम बात करते हैं। जो सी वाला कोण है बच्चों, तो इसके अंदर भी मैंने क्या करा, इसको आगे बढ़ा दिया सीधा, और यहाँ से एक लाइन खींच ली, इसको हमने 0 मान लिया, यहाँ पे 90 मान लिया, ये भी एक अब एक एल शेप बन रहा है। तो अगेन 0 से लेकर 90 के बीच में एंगल आ रहा है, तो अगेन ये एंगल भी कौन सा हो गया, हम कोण बी सी ए। सी ए जिस कोण को हमें पता करना है वो सेंटर में होता है, मतलब हम सी कोण की बात कर रहे हैं। बी सी एक सी कोण की हम बात कर रहे हैं, और सी कोण बी का एंगल क्या है, न्यून कोण। समझ में आया आपको, इसमें दिक्कत आ रही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम एक बार दोबारा इसको डिटेक्ट कर लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें कोण ए का पता करना है, कोण ए है ना, ये कोण ए है, इसे हमें पता करना है कोण ए। तो यहाँ पे तो इस कोण का पता करना है, यहाँ से मैंने एक सीधी लाइन खींच ली, यहाँ से ये लाइन खींच ली, यहाँ पे मैंने 0 लिखा, ये 90 डिग्री हो गया अच्छी, तो ये 0 से 90 के बीच में तो कौन सा हो गया, न्यून कोण। सेकेंड कोण की हम बात कर रहे हैं, ये रंग कोण बी है, ये इसको भी मैंने अगर सीधी लाइन खींच ली, और यहाँ से ये 0 और ये 90 डिग्री, अगेन 0 से 90 डिग्री के बीच में आ रहा है, ये क्या है। थर्ड कोण हम सी, सी कोण ऐसे बना हुआ है ना बच्चों, सी कोण ऐसे ही बना हुआ है, इसको अगेन मैंने यहाँ पर लाइन सीधी खींच दी, यहाँ पे बीच में एक लाइन खींची ली 0 से 90 डिग्री, अगेन 0 से 90 डिग्री आ रहा है, सी कोण भी क्या है, न्यून कोण। ये कोण आपको पहचानना ही पड़ेगा, पहचान समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। आपको कोई भी एक शेप दे दिया है और कहा जाता है कि सभी कोणों के नाम लिखिए, तो आपको लिखने होंगे, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि मैंने बता रखा है 0 से लेकर अधिक और 90 डिग्री से कम वाले एंगल को क्या कहा जाता है, न्यून कोण। ओके, तो आप इसे उतार लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, तो मैंने समझाने के लिए कहा है, बाकी इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट आउट कर लीजिए। हम सेकंड आकृति की बात करते हैं। ओके, मैं इसे साफ कर दूं नंबर 1 को। अब हम नेक्स्ट शेप बनाते हैं, कौन सी शेप दे रखी है, नेक्स्ट शेप है बच्चों, ये भी है ट्रायंगल है, लेकिन ये ट्रायंगल थोड़ा ऐसा है, इस शेप में एक ट्रायंगल दे रखा है। ओके, और नाम है उनके ई एफ डी, ई एफ टी डी ई एफ, तीन एंगल दे रखे हैं। तो पहले हम एंगल्स का नाम लिख रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, कोण तीन कोण से बन रहे हैं, हम तीनों कोणों के बारे में लिख देते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो आएगा ई डी एफ, तो हम लिखा है यहाँ पे ई बी एफ, एंगल कौन सा होगा, सेकेंड एंगल अगर हम एफ की बात करें तो आएगा ई एफ बी, ई एफ बी, एंड थर्ड एंगल की अगर हम बात करेंगे ई की, तो डी ई एफ, हम लिखेंगे यहाँ पे डी ई एफ। तो तीनों एंगल्स हमने लिख दिए डी ई एफ, डी ई और एफ, तीनों एंगल हमारे पास में आ चुके हैं।
अब हमें पहचानना है कि कौन सा एंगल जो कौन सा कोण का नाम क्या है, E कौन सा है, D कौन सा है, F कौन सा है, ये तीनों हमें पता करने हैं। तो सबसे पहले से मैंने अगर हम बात करते हैं F की, तो F तो हमें सिंपल ही पता चल रहा है कि ये एक सीधी लाइन L शेप बन रही है, और L शेप कोण मैंने हमेशा कह रखा है आपको 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री का कोण क्या होता है, समकोण, यानी 90 डिग्री कोण को हम कहेंगे समकोण। F वाला ये वाला है सेंटर में F आ रहा है ना, तो इसके आगे हम लिख दिया ये कौन सा कोण है, समकोण, ओके समकोण हो गया है। अगर हम बात करते हैं E वाले की, तो ये वाला लाइन बना दिया C, ओके ये है E कोण है, इसे हम डिटेक्ट करते हैं, आगे मैंने इसको आगे ऐसे बना दिया, ठीक है, एक लाइन खींची आगे खींच दिया, यहाँ से मैंने एक सेंटर में एक लाइन खींची, ये मान लो 0 डिग्री है और ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, और हमें इस एंगल के बारे में पता करना है, ओके तो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच वाले एंगल को क्या कहते हैं बच्चों, न्यून कोण। तो ये जो E वाला है, E वाला ये वाला है, हमने यहाँ लिख दिया न्यून कोण, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल D की, और D एंगल बच्चों कुछ ऐसा बना हुआ है, ओके यही है ना डी एंगल, ये बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं क्या करना है, अब हमें डी एंगल को पहचानना है, एक सीधी लाइन नीचे आ रही है तो मैंने सीधी लाइन ऊपर बढ़ा दी, एक सीधी लाइन इधर बढ़ाई है, ये 0 माना मैंने, ये 90 डिग्री है, तो अगेन 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ये एंगल बन रहा है, दैट इज ऑल्सो न्यून कोण। तो हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पर न्यून कोण, ओके तो यह हो गया न्यून कोण, समकोण और अगेन न्यून कोण, तीनों एंगल हमने पहचान लिए हैं। तो बच्चों ये भी आप भी जो नोटबुक है उसको उतार लीजिए, इसे ये मैंने समझाने के लिए आपको कहा था, इसे नहीं उतारना है, फिर आपको ये एंगल्स उतार लिए, ओके उतार लिया होगा आपने यहाँ पर। अब मैं थर्ड एंगल की बात करती हूँ, थर्ड शेप की बात करते हैं हम, देखिए थर्ड शेप है बच्चों एक रेक्टेंगल बना हुआ है, एक रेक्टेंगल है और नाम है जी एच जे आई, जी एच जे आई, चार एंगल बने हुए हैं, ये चार कोण है, कोण तो हमें पहचाने अब आई होंगे, जहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे को मिलती हैं क्या कहलाता है कोण, उनके जुटाव क्या कहते हैं कोण। तो हम इसकी बात कर रहे हैं जी एच जे आई, चार एंगल हैं, सबसे पहले हम चारों के नाम लेते हैं, सबसे पहले हम जी की बात करते हैं, तो हम बात करेंगे जे एच जे जी एच, हमें लिखा जे जी एच, या फिर आप डायरेक्ट जी एंगल भी कर सकते हैं, ओके दोनों ही सही है। अब हम आगे हम एच की बात करते हैं, तो आएगा जी एच आर, जी एच आर, नेक्स्ट हम बात करते हैं आई पी, तो हम करेंगे एच आई जी, एच आई जी, एक एंगल और है इसमें, वो है आपका जे, तो हम बात कर रहे हैं आई जे जी, आई जे जी, चार एंगल हमने बना दिए हैं। अब हमें पहचानना है चार एंगल, बहुत इजी है किसी भी रेक्टेंगल और किसी भी स्क्वायर के चारों कोण बच्चों क्या होते हैं, समकोण, ये आपको पता होना चाहिए, क्यों ये मैं इसी में समझा रही हूँ, या फिर मैं एक और बना देती हूँ यहाँ का एंगल समझाने के लिए, ये हमारा जी एच जे आई है, अगर मैं इसको ऊपर बढ़ा दिया, इसे भी ऊपर बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा दिया, तो हमें पता है सीधी लाइन आ रही है, एक सीधी लाइन जा रही है, मतलब ये कोण कितना है 90 डिग्री, ये सीधी लाइन है यहाँ पे जा रहा है, एक एल शेप बन रहा है, अगेन ये कोण क्या है 90, ये सीधी लाइन जा रही है यहाँ पे, ये कोण कौन सा होगा 90, सीधी लाइन भी कोण में क्या होगा एल शेप बन रहा है ना बच्चों, जहाँ पे एल शेप बन जाएगा सीधी स्ट्रेट लाइन, देन वो एंगल होगा 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का कोण हमें पता है क्या होता है समकोण, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं
सबको आपको इससे पता चल गया होगा किसी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर के कोण जो होते हैं बच्चे वो हमेशा क्या होते हैं 90 डिग्री के एंगल जो होते हैं एंगल्स होते हैं। ओके तो सारे हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या है समकोण, दैट इज ऑल्सो समकोण, इसके बाद भी क्या आएगा समकोण एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो समकोण। ओके चार कोणों के बारे में हमने बात की थी कि इस जो रेक्टेंगल बना हुआ है आयत है इसके अंदर जो भी कोण है वो क्या है समकोण। ओके इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। मैं इसे साफ कर रही हूँ। नेक्स्ट है नंबर फोर। नंबर फोर पर जो आपकी फिगर दे रखी है बच्चों वो है ऐसे एक फिगर दे रखी है। ओके और इसका नाम है के एल एम एन, के एल एम एन ये फिगर दे रखी है। पहले इसके चार एंगल्स बन रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे हम पहले के एंगल की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्या तो हम के लिख दें यहाँ पर और नहीं तो हम क्या लिखेंगे एल के एन नेक्स्ट एंगल एल की बात करेंगे तो करेंगे के एन एम नेक्स्ट हम बात करते हैं एम की तो एन एम एल नेक्स्ट हम बात करते हैं एल एंगल की तो एम एल के एम एल के चार एंगल्स हमने बना लिए हैं। ओके अब हम बात करते हैं चारों एंगल्स की। सबसे पहले हम के की बात करते हैं तो के एंगल मतलब समझा रही हूँ यहाँ पर आपको तो यहाँ पर एक के एंगल ऐसा बना हुआ है इसको मैंने ऐसे सामने लाइन खींची अगर ये सीधा है। ओके ये क्या है एक सीधा है मिलाने पर जैसे कि अगर इसमें आ रहा है इसको मैंने मिलाया लेकिन ये क्या जा रहा है तो हल्का सा स्लाइटली नीचे मुड़ा हुआ है ये ऐसे है जबकि सीधा एंगल ऐसे आ रहा है ये स्लाइटली क्या हो रहा है नीचे यानी ये जीरो हमारा एंगल और ये जीरो है और ये 90 डिग्री है 90 डिग्री से कम और जीरो डिग्री से अधिक है तो इस एंगल को हम कहेंगे न्यू कोण। ओके नेक्स्ट एंगल हम एन की बात कर रहे हैं एन है ऐसे और फिर ऐसे। ओके इस ये एंगल हमें पता करना है कि यहां से बच्चों मैंने क्या किया है सीधी लाइन खींची और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे एक सीधी लाइन खींचा है ध्यान देना कुछ उसको ये हमारा एंगल बनाया था हमने ये वाला ये एंगल हमें पता करना है। ओके ये एंगल हमें पता करना है यहाँ से मैंने एक सीधी लाइन खींची लेकिन ये एंगल बाहर जा रहा है ये 90 डिग्री माना ये 0 डिग्री पे माना तो 90 डिग्री से अधिक हो गया। यहाँ पे देखिए 0 से 90 के बीच में तो एंगल नहीं आ रहा है ये तो एंगल बाद में आ रहा है 90 और ये लाइन आती है हमारी 180 तो 90 से लेके 180 के बीच में जो एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं क्या कहेंगे उसे हम अधिक कोण समझ में आ रहा है 90 से लेके 180 डिग्री तक के कोण को हम कहते हैं अधिक कोण। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल एन एम एल यानी इस एंगल एम की हम बात कर रहे हैं एम को देखना है बच्चों यहाँ से मैं ये सीधी लाइन नहीं हमें इस कोण के बारे में पता करना है यहाँ से मैंने सीधी लाइन खींची ये जीरो और ये 90 डिग्री तो जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच वाले एंगल को क्या कहते हैं न्यून कोण। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं एल की तो एल देखिए ऐसे करके आप ऐसे जो बना हुआ है एंगल और इस एंगल के बारे में हमें पता करना है मैंने ये एंगल बनाया इसको मैंने आगे बढ़ाया यहाँ से क्या किया मैंने सीधी लाइन खींची सीधी लाइन ऐसे आई ना इसकी तो इसको मैंने जीरो माना जहां से एंगल बन रहा है इसको जीरो और ये 90 डिग्री यानी ये 90 डिग्री से क्या रहा बस ज्यादा और सरल रेखा क्या होती है
180 की होती है, सीधी रेखा क्या होती है 180 की, यहाँ पे क्या ये 90 डिग्री का एंगल है और 90 से अधिक वह जीरो से, यहाँ पे देखना जीरो से 90 यहाँ पे आ रहा है लेकिन 90 से अधिक आ रहा है, ज्यादा आ रहा है ये एंगल, तो इसको भी हम क्या कहेंगे अधिक कोण। यहाँ पे देखिए दोबारा देखिए, जैसे यहाँ से आ रहा है इस एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ से मैंने इसको सीधा खींचा, यहाँ से सीधी लाइन खींची, ओके यहाँ पे हमने जीरो माना, ये 180 है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का है बीच में एंगल, सीधी लाइन कौन सी 90 डिग्री, यानी ये जीरो से 90 तक तो आया नहीं, 90 से 180 के बीच में आ रहा है, यानी 90 से अधिक और 180 से कम डिग्री वाले कोण को हम कहते हैं अधिक कोण। ओके ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा था, इसको तो आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ओके बाकी क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए मैथ्स की। समझ में आया आपको? इसके आगे बच्चों दो और है हमारे पास स्टेज, हम उनकी बात करते हैं कि उनमें कौन कौन से एंगल्स बनेंगे। हाँ बच्चों नेक्स्ट नंबर है 5 और 5 एंगल में बच्चों बना हुआ है एक पंचभुज बना हुआ है ऐसे, ओके नीचे तक जा रहा है फिर ऐसे आ रहा है ये, ओके ये बना हुआ है, यहाँ पर मैं सीधी लाइन खेल रही है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसकी, इसके नाम है बच्चों O S P Q R S A, O P Q R S, ये पांच एंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 और पांचों एंगल्स के हमें नाम बता रहे हैं कि ये कौन सा एंगल का नाम क्या है, किस एंगल का नाम क्या है। सबसे पहले हम Q की बात कर रहे हैं तो एंगल बोली लिखेंगे P O S, तो हमें लिखा P O S, जो भी एंगल का हम बात कर रहे हैं वो बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट एंगल हमने ऐसी बात करी तो O S R, O S R, नेक्स्ट एंगल है R की बात कर रहे तो S R Q, S R Q, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं Q तो क्या आएगा R Q P, R Q P, नेक्स्ट एंगल हम बात कर रहे हैं P की तो Q P O, एंगल Q P O, तो इन पांच एंगल्स के बारे में बताना है कि कौन सा एंगल का नाम क्या है, यानी O यहाँ पे देखिए एंगल बीच में O आ रहा है, फिर S आ रहा है, R Q एंड P, पांचों एंगल्स के बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम एंगल O की बात करते हैं, तो देखिए O में जो बन रहा है वो ऐसे जाकर के और ऐसे है, ओके इस टाइप से बना हुआ है एंगल, अगेन मैंने लाइन ऊपर खींची बीच में खींचा ये, ये हमें पता करना है जीरो ये 90, जीरो से लेके 90 के बीच में ये अगर मानो पास साइड के इधर भी जा रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई सा भी एंगल होगा वो सारे एंगल क्या कहलाएंगे न्यून कोण, क्योंकि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच तक के सभी कोण करके लाएंगे न्यून। नेक्स्ट हम S की बात करते हैं तो S ऐसे जाकर के ऐसे बना हुआ है, यानी अगर मैं इसको स्लाइटली आगे बढ़ा दूं और यहाँ से मैं सीधी लाइन यहाँ खींच दूं तो ये क्या होगा 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, ये माना हमने 0 डिग्री, जीरो तो हम यहाँ मानेंगे क्योंकि यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है जीरो 90 और ये 180 डिग्री, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जीरो है 90 और 180 लेकिन एंगल जो है ये वाला जीरो से लेके 90 के बीच में नहीं आ रहा है, कहाँ आ रहा है 90 से लेके 180 के बीच का एंगल आ रहा है, तो 90 से अधिक और 180 से कम डिग्री के माप वाले कोण को हम कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल आर की, तो आर को देखिए मैं नीचे से यहां से ऐसे बना देती हूँ, ऐसे ही जा रहा है ना ये एंगल,
इस एंगल का हमें पता करना है। नीचे से मैंने इसे आगे बढ़ा दिया, यहाँ से सीधी लाइन खींची है 90 डिग्री, ये 0 डिग्री और ये 180 डिग्री। अगेन हम देख रहे हैं यहाँ पे 0 से लेके 90 के बीच में नहीं आ रहा एंगल, आ रहा है 90 से लेके 180 के बीच का, और 90 से 180 के बीच के एंगल को हम अगेन कहते हैं अधिक कोण। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल की, जो कि है कौन सा एंगल है ये। नेक्स्ट एंगल हम बात करते हैं एंगल क्यू की। देखिए क्यू एंगल बना हुआ है ऐसे करके यू जा रहा है ना, इस एंगल को हमें पता करना है। अगेन मैंने इसको सीधा बढ़ाया, यहाँ से एक सीधी लाइन खींची, ये आ गया यहाँ पे 90, 0 और 180। जहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है बच्चों उस टाइम को हम जीरो मानते हैं। ओके, हमने देखा एंगल यहाँ कहाँ आ रहा है, ये 90, 0 से 90 के बीच में तो आ नहीं रहा, 90 से 180 के बीच में आ रहा है, यानी 90 से अधिक 180 से कम डिग्री के मापा रहे कौन को अगेन हम क्या कहेंगे, अधिक कोण। ओके, अगेन हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल को जैसे मान ली ऐसे करके यू जा रहा है, मैंने अलग से बना लिया इसको, मैंने यू बनाया, अगेन सीधा किया, एंगल इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है तो हमने इसको जीरो माना और इसको क्या मान लिया कि 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है और ये क्या हो जाएगा 180, तो अगेन 0 से 90 तक तो एंगल नहीं बन रहा है, 90 से 180, तो 90 से 180 डिग्री वाले एंगल को फिर हम कहेंगे अधिक कोण। तो ये पांचवा एंगल की मैं से जा रही है, तो आपके अधिक कोण क्या है, केवल एक एंगल जो है आपका ये वाला फर्स्ट, वो क्या है आपका न्यू कोण। ओके, इसे भी आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। एक लास्ट एंगल बच रहा है वो हम कर लेते हैं, एक लास्ट शेप और है आपकी कॉपी बुक में। यस, एक लास्ट शेप दे रही है शेप नंबर 5, ये शेप आपकी दे रही है, नाम मालूम है TUPW, चार एंगल हैं 1, 2, 3 और 4, तो चार एंगल के मैं नाम ले देती हूँ। पहले इस एंगल की बात करते हैं UPW, नेक्स्ट हम बात करते हैं W की, तो TWB, एंगल TWB, नेक्स्ट एंगल की हम बात करते हैं BWBU, नेक्स्ट एंगल की हम बात करते हैं U, तो आएगा BUP, चार एंगल आगे हमारे पास TWB and U, चार एंगल्स के अब हमें नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम एंगल इसकी बात करते हैं टी की, यहाँ पे आप देख रहे हैं एल शेप लाइन बन रही है, और एल शेप जब लाइन बनती है तो वो कोण कौन सा होता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के कोण को हम कहते हैं सम कोण। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल बी की, तो बी में भी हम देख रहे हैं कि एल शेप एक लाइन बन रही है, जब एल शेप लाइन बन रही है तो अभी ये भी डिग्री दे रही होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री कोण को हम कहते हैं सम कोण। तो ये U वाला कौन सा है, ये रहा, ये भी कौन सा होगा समकोण। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं W की, तो देखिए W लाइन यू जा रही है, मैंने उसे सीधा बढ़ाया, हमें एंगल पता करना है ये, यहां से मैंने सीधा खींचा, ये 0, 90 और 180, 0 से लेकर 90 डिग्री का एंगल के बीच का नहीं है, ये जा रहा है 90 से अधिक की लाइन, यहाँ पे आ रही है ना 90 डिग्री से अधिक आ रही है, 180 से कम आ रही है, तो ये कौन कौन सा हो गया डब्लू वाला अधिक को अधिक कौन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी की, देखिए इसमें
ऐसी लाइन आ गई है, ये कौन में पता करना है, ये V है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, यहां से एक लाइन खींची, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये क्या हो गया 90 डिग्री का कोण। 0 से लेकर 90 के बीच में कोण जो बन रहा है, ऐसे कोण क्या होता है 0 से भी 90 डिग्री तक के बीच का कोण, न्यू कोण। तो इस एंगल में हमें जो आकृति बनी हुई शेप से हमें तीन तरह के कोण पता करने हैं, समकोण, अधिकोण और न्यूनकोण। दो कोण हो गए समकोण, एक अधिकोण और एक न्यूनकोण। तो आज के जो लेक्चर से हमने जो कोण है उनको पहचानना सीखा है कि आकृति चाहे कोई भी हो उनके कोणों की पहचान हमें होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट हम कल आपका जो प्रश्नावली 16 है इसके क्वेश्चन आंसर हम कल के चैप्टर में करेंगे, कल के लेक्चर में करेंगे। आप अपना टीम साथ लेकर के बैठ। ओके, थैंक यू।